नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 1 दिसंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम नीतीश शराबबंदी को लेकर जल्द ही शुरू करेंगे जागरूकता यात्रा। बिहार के सभी पार्कों को करवाया जाएगा अतिक्रमण मुक्त। अपना घर या सरकारी भवन बनाने के लिए आपको मानना होगा ये नियम। बिजली कनेक्शन देने में बिहार ने विकसित राज्यों को छोड़ा पीछे। शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में हुआ 100% नामांकन। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीएम नीतीश शराबबंदी को लेकर जल्द ही शुरू करेंगे जागरूकता यात्रा। बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करवाने के लिए सीएम नीतीश एक बार फिर से मैदान में उतरने वाले हैं, जिसके तहत सीएम नीतीश पंचायत चुनाव के बाद से यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। इस यात्रा के दौरान वो बिहार के विभिन्न जिलों में जाकर शराबबंदी जागरूकता यात्रा करेंगे। सबसे खास बात यह है कि सीएम नीतीश की यह यात्रा 1 महीने तक होने वाली है, उसके लिए तैयारी भी शुरू हो गई है। ज्ञात हो 26 नवंबर को ही मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की थी, उसी समय यात्रा की तैयारी करने का अधिकारियों को निर्देश दिया गया था। बदल सकते हैं ये नियम। आज से दिसंबर महीने की शुरुआत हो गई है, जैसा कि होता आया है उसके अनुसार नए महीने के साथ नए नियम भी लागू हो जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार साल के आखिरी महीने में बैंकिंग और ईपीएफओ सहित कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। सबसे पहला नियम आधार और पीएफ लिंक से जुड़ा है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है। ऐसे में जिन लोगों ने यह काम कर लिया है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने यह नहीं किया है तो 1 दिसंबर से आपके खाते में कंपनी की तरफ से आने वाली कॉन्ट्रीब्यूशन रोक दी जा सकती है। इसके अलावा आज से एसबीआई क्रेडिट कार्ड धारकों को हर खरीदारी पर 99 रुपये अलग से टैक्स देना पड़ सकता है। 1 दिसंबर की समीक्षा में एलपीजी सिलेंडर के दाम भी कम हो सकते हैं। इसके अलावा 14 साल के बाद माचिस की कीमत 2 गुनी हो सकती है। साथ ही पंजाब नेशनल बैंक ने सेविंग्स अकाउंट की ब्याज दरों को सालाना 2.90 से घटाकर 2.80% करने का फैसला भी किया है। आज बिहारी मंथ स्पेशल में हम बात करेंगे उदित नारायण की। उदित नारायण का जन्म आज ही के दिन साल 1955 को हुआ था। उदित नारायण एक भारतीय पार्श्व गायक हैं, जिनके गाने मुख्य रूप से हिंदी भाषा की बॉलीवुड फिल्मों में प्रदर्शित किए गए हैं। उन्होंने तेलुगु, तमिल, कन्नड़, ओडिया, नेपाली, भोजपुरी, बंगाली सहित कई अन्य भाषाओं में भी गाया है। उन्होंने 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते हैं, जिनमें से एक गायक के रूप में 3 और 2001 में 2 गीतों के लिए, 2002 में और 2004 में 1 प्रत्येक के साथ साथ 2005 में 1 निर्माता के रूप में और 5 फिल्मफेयर पुरस्कार, 20 नामांकन के साथ कई अन्य पुरस्कार जीते हैं। 1980 में बॉलीवुड प्लेबैक में डेब्यू करने के बाद भी उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा था। उन्हें 1980 में फिल्म यूनिस बीज में बॉलीवुड प्लेबैक डेब्यू में मोहम्मद रफी के साथ गाने के लिए मिला था और 1980 के दशक में किशोर कुमार के साथ भी, जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड पार्श्व गायन में खुद को स्थापित किया। हंगामेदार रहा दूसरे दिन का शीतकालीन सत्र। बीते दिन बिहार विधानसभा के दूसरे दिन का शीतकालीन सत्र बेहद ही हंगामेदार रहा। पहले दूसरे दिन प्रश्नकाल की शुरुआत होते ही भाकपा माले विधायकों ने सदन में पोस्टर लहराए। इस पर अध्यक्ष गुस्से में आ गए और मार्शल को आदेश दिया कि विधायकों के सभी पोस्टर ले लिए जाए, जिसके बाद स्पीकर ने भाई वीरेंद्र को चेतावनी देते हुए मर्यादा में रहने की बात भी कही। इतना ही नहीं, बीते दिन हुए सत्र में स्पीकर विजय सिन्हा ने संजय झा की पोल खोल दी, जिसके तहत जब संजय झा ने टाल क्षेत्र में काम होने की बात कही तो विजय सिन्हा ने कहा कि हम भी उसी क्षेत्र के एमएलए हैं, अब तक कोई काम नहीं हुआ है। बिहार के सभी पार्कों को करवाया जाएगा अतिक्रमण मुक्त। बिहार के सभी पार्कों को सुसज्जित करने की तैयारी हो रही है, जिसके तहत ही प्रदेश सरकार की तरफ से राज्य भर के पार्कों को डेवलप करने का काम किया जा रहा है। फॉरेस्ट विभाग के अंतर्गत पार्कों को लेकर जल्द ही काम किया जाना है। वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कंकड़बाग में एमआईजी पार्क के उद्घाटन के दौरान इस बात की जानकारी दी है। इसको लेकर मंत्री ने कहा है कि फॉरेस्ट विभाग काफी तत्परता से जीर्णोद्धार कर रहा है पार्कों का और प्रदूषण को समाप्त करने की पूरी तैयारी में प्रयास किए जा रहे हैं। वातावरण को शुद्ध करने के लिए विभाग हर जरूरी कदम उठा सकता है। प्रशासन के द्वारा पार्कों में नीम के पेड़ भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा आमजनों के लिए पार्कों में फलदार पेड़ भी लगाए जाएंगे। इंटरनेशनल पैसेंजर्स को लेकर बिहार में भी हाई अलर्ट। देश में कोरोना के खतरे को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल पैसेंजर्स को लेकर देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण के निर्देश के बाद बिहार में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुख्य सचिव की तरफ से भेजे गए दिशा निर्देश में इंटरनेशनल यात्रियों को लेकर चौकसी बढ़ाने को कहा गया है। ऐसे में अब विदेश से आने वालों को कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद भी 10 दिनों तक क्वारंटीन रहना पड़ेगा। रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट पर जांच को लेकर सख्ती बढ़ाने का आदेश भी दिया गया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा है कि विदेश से आने वालों का सर्च ऑपरेशन तेज किया जाए और सख्ती की जाए। साथ ही ये भी कहा गया है कि कोई भी यात्री छूटने ना पाए। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की कड़ी निगरानी का आदेश भी दिया गया है। पंचायत चुनाव के बाद होगी 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली।
शिक्षक नियोजन को लेकर बीते दिन बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शिक्षक नियोजन की तारीख को लेकर बड़ी बात कही है, जिसके तहत उन्होंने साफ कहा है कि वर्तमान समय में बिहार में पंचायत चुनाव जारी है। ऐसे में अभी शिक्षक नियोजन का कोई भी काम हो पाना संभव नहीं है, लेकिन पंचायत चुनाव के खत्म होते ही शिक्षक नियोजन का काम किया जाएगा। सदन में AIMIM विधायक अख्तरुल इमान ने शिक्षकों की कमी का सवाल उठाया था, जिस पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि पंचायत चुनाव के बाद 25,00,000 शिक्षकों की बहाली शुरू हो जाएगी। पुलिस पदाधिकारी की गृह जिले में नहीं होगी तैनाती। बिहार पुलिस के पदस्थापना को लेकर पुलिस मुख्यालय ने बीते दिन बेहद ही अहम जानकारी साझा की है, जिसके तहत ये साफ किया गया है कि किसी भी सूरत में बिहार के किसी भी पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों की पदस्थापना उनके गृह जिले में नहीं की जाएगी। इसको लेकर एक पत्र जारी कर दिया गया है। इस विभागीय पत्र में साफ किया गया है कि स्थानांतरित आदेश का निर्गत करते समय ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी पदाधिकारी और कर्मी की पदस्थापना उनके गृह जिले में नहीं हो। जारी पत्र में बताया गया है कि जिला में कोई पुलिस पदाधिकारी या कर्मी पूर्व में कार्य कर चुके हैं, चाहे वो कार्यकाल कितना भी छोटा क्यों ना रहा हो, दोबारा उन पुलिस पदाधिकारियों को उस जिले में पदस्थापना नहीं किया जाए। अगर किसी कर्मी या पुलिस पदाधिकारी ने 2 अथवा अधिक कार्यकाल में किसी जिले में कार्य किया है तो उसके सभी कार्यकालों को मिलाकर अवधि की गणना की जाए। शिक्षक नियोजन में देरी पर विधानसभा में हुआ हंगामा। बिहार में शिक्षक नियोजन में हो रही लेट लतीफी को लेकर पहले ही TET अभ्यर्थी पटना के गर्दनीबाग में डटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ ये मुद्दा विधानसभा में पहुंच गया है, जिसके तहत बीते दिन शिक्षक नियोजन का मुद्दा विधानसभा में भी गूंजा। राज्य में शिक्षक के नियोजन प्रक्रिया में हो रही देरी के सवाल पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने यह पूछा कि आखिर सरकार इस मामले में कोई तय तारीख क्यों नहीं बताती। दरअसल प्रश्नोत्तर काल में राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर सवाल खड़े किए थे। आज होगी 9वें चरण की मतगणना। 29 नवंबर को 9वें चरण के मतदान के बाद आज मतगणना होने वाली है, जो कि 35 जिलों के 53 प्रखंड में होगी। 9वें चरण के तहत कुल 871 पंचायतों के लिए 12,341 मतदान केंद्र पर मतदान करवाए गए थे। वहीं आज और कल यानी कि 1 और 2 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह से प्रत्याशी और उनके समर्थक मतगणना केंद्र पर 8 बजे से पहुंचना शुरू कर देंगे। सुबह 8 बजे से मतगणना की शुरुआत होगी और उसके बाद रुझान भी आना शुरू हो जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इस चरण में 26,831 पदों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें 97,878 प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल करके चुनावी मैदान में उतरे थे। बिहार के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। पश्चिम चंपारण जिले में स्थित वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत नेपाल सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है। विशाल क्षेत्र में फैला यह पार्क 2 वर्गों में विभाजित है। साल 1990 में बना यह राष्ट्रीय उद्यान लगभग 335 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। बिहार राज्य का एकमात्र वन्यजीव अभयारण्य वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हिमालय तराई परिदृश्य के घने हरे भरे जंगलों में आच्छादित है। इस क्षेत्र का मुख्य आकर्षण बंगाल बाघ क्षेत्र है। बिहार के 9,00,000 छात्र छात्राओं के बीच बटेंगे 3,000 करोड़ रुपए। बिहार के लगभग 9,00,000 छात्र छात्राओं को जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है, जिसके तहत बिहार सरकार जल्द ही छात्र छात्राओं के बैंक खाते में मोटी राशि ट्रांसफर करने की तैयारी में लगी हुई है। आपको बता दें, यह पैसा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का है। ऐसे में अगर आप भी इस छात्रवृत्ति के योग्य हैं तो आप अपने बैंक पासबुक को चेक कर सकते हैं, क्योंकि राज्य में पिछले 3 सालों से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का वितरण नहीं हो सका है। हालांकि 3 वर्षों से छात्रवृत्ति से वंचित तकरीबन 9,00,000 छात्र छात्राओं के बीच छात्रवृत्ति की राशि बांटने का रास्ता अब साफ हो गया है। वित्त विभाग की सहमति मिलने के अब राशि का वितरण किया जाएगा। बिहार में निजी विश्वविद्यालय खोलना अब और भी आसान। बिहार में निजी विश्वविद्यालय खोलने की अगर आप सोच रहे हैं तो अब यह काम और भी ज्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि बिहार सरकार ने मंगलवार को संशोधन विधेयकों के जरिए निजी विश्वविद्यालयों के निर्माण के लिए अधिक समय देने का फैसला किया है, जो कि ध्वनिमत से मंजूर भी हो गया है। मूल विधेयक में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए संचालक को 2 साल और 2 साल की अवधि विस्तार के जरिए अधिकतम 4 साल का समय दिया गया था। संशोधन के बाद इस समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। 4 साल के बदले समय सीमा के लिए यथोचित शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि निजी विश्वविद्यालय को जरूरत के अनुसार अवधि विस्तार मिलेगा। इसके साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया है कि यह समय सीमा सिर्फ आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए है। अपना घर या सरकारी भवन बनवाने के लिए आपको मानना होगा यह नियम। इन दिनों बिहार के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। यही कारण है कि बिहार सरकार प्रदूषण के स्तर को कम करने की भरसक कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में अब बिहार में अपने घर के साथ साथ सरकारी भवन बनाने के लिए नई गाइडलाइन को जारी कर दिया गया है, जिसके तहत निर्माण कंपनियां एजेंसियों के लिए जहां भी निर्माण परियोजनाएं चल रही हैं उन्हें अपने निर्माण को ढकना होगा। निर्माण के दौरान किसी प्रकार का वायु प्रदूषण न हो, इसके लिए एजेंसियों कंपनियों को सभी आवश्यक उपाय करने की भी
जानकारी दी गई है। जो भी निर्माण सामग्री है उसे ढकना होगा, निर्माण सामग्री का परिवहन भी ढककर रखना होगा। इसको लेकर विभाग ने साफ कर दिया है कि एजेंसियों को इन नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा, अन्यथा दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा टीईटी अभ्यर्थियों का धरना। टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर बीते दिन भी धरना स्थल पर डटे रहे। शिक्षक अभ्यर्थी लगातार सरकार से नियुक्ति पत्र देने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, छात्रों ने शिक्षा मंत्री पर भी कई तरह के आरोप लगाए हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि 38,000 से ज्यादा शिक्षकों का चयन हो चुका है, इसके बाद भी सरकार उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दे रही है, जो कि गलत है। शिक्षक अभ्यर्थी एक बार नहीं बल्कि कई बार आकर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन फिर भी सरकार की नींद नहीं खुल रही है। अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र देने की घोषणा करे। जानेंगे बिहार के मौसम का ताजा हाल। अब तक बिहार के उत्तरी और दक्षिण हिस्से में दो अलग अलग तरह की हवाएं चल रही थी, मगर मौसम विज्ञान केंद्र पटना की तरफ से बताया गया है कि आने वाले दो दिनों में राज्य भर में पछुआ हवा चलने के संकेत मिल रहे हैं, जिसके प्रभाव से तापमान में थोड़ी गिरावट जरूर आएगी। इससे ठंड में इजाफा हो सकता है। मौसम विज्ञानियों की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहा। इस दौरान न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। हालांकि पछुआ हवा चलने के बाद सुबह में धुंध की स्थिति बनी रहेगी। इस दौरान उत्तर बिहार में न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच और दक्षिण बिहार में 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है। शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में हुआ शत प्रतिशत नामांकन। बिहार के सभी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों में शत प्रतिशत नामांकन का काम पूरा कर लिया गया है, जिसका खुलासा राज्य के सभी 66 राजकीय प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य एवं वरीय व्याख्याता की मासिक समीक्षा बैठक में हुआ। इसको लेकर शिक्षा विभाग के शोध प्रशिक्षण निदेशक डॉ. विनोदानंद झा ने बताया कि सभी संस्थानों ने शत प्रतिशत नामांकन पूरा कर लिया है। कुछ संस्थानों ने हॉस्टल शुरू कर दिया है। इस संबंध में शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा हॉस्टल नियमावली सभी संस्थानों को प्रेषित किया गया है। इसके साथ ही झा ने यह भी बताया है कि सभी संस्थानों के प्रशिक्षुओं और व्याख्याताओं ने निपुण भारत मिशन के तहत बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान से संबंधित निष्ठा 3.0 कोर्स पर प्रशिक्षण प्राप्त करना शुरू कर दिया है। विधानसभा में शराब की बोतल मिलने पर भड़के नीतीश। बिहार विधानसभा परिसर में शराब की बोतल मिलने के बाद से सदन में हंगामा शुरू हो गया है। बता दें कि नीतीश कुमार ने सदन में गहरी नाराजगी जताई है। वो इस पूरे मामले को लेकर भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर विधानसभा परिसर में शराब की खाली बोतल मिली है तो यह बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा अध्यक्ष तुरंत इस मामले में इजाजत दे, यह जांच कराने के लिए तैयार है। वहीं नीतीश कुमार ने तेजस्वी को लेकर कहा कि तेजस्वी को शायद मेरा स्वभाव नहीं पता है, जो भी पत्र लिखना है वो सीधे मुझे लिखे, समाचार मीडिया या सोशल मीडिया से में आने के बाद हम उसका नोटिस नहीं लेते हैं। काफी देर तक नीतीश और तेजस्वी के बीच भी इस मुद्दे को लेकर काफी बहस भी हुई। ग्रामीण विभाग अब कनीय अभियंताओं का करेंगे डेटाबेस तैयार। जल्द ही ग्रामीण कार्य विभाग में लगे कनीय अभियंताओं का डेटाबेस तैयार होने वाला है, जिसमें उन अभियंताओं को शामिल किया जाएगा जो आने वाले एक साल के अंदर रिटायर होने वाले हैं। इनके नामों की सूची अभियंताओं से मांगी गई है। तैयार सूची के आधार पर इनमें से कुछ को समय से पहले ही अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते दिनों विभाग ने कार्यदक्षता के आधार पर कनीय अभियंताओं को हटाने का निर्णय लिया है। उनके काम के मूल्यांकन के लिए विभाग ने विशेष कमेटी भी बनाई है। इस कमेटी का अध्यक्ष विशेष सचिव, अपर सचिव या संयुक्त सचिव में से किसी एक को बनाया गया है। विभागीय मंत्री और सचिव की सहमति के बाद ही यह कमेटी गठित की गई है। 4 दिसंबर को स्मार्ट सिटी के तहत पटनावासियों को मिलेगी बड़ी सौगात। स्मार्ट सिटी चयन के करीब 4 साल बाद पटनावासियों के इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है, जिसके तहत ही आगामी 4 दिसंबर को पटनावासियों के लिए बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि 4 दिसंबर को पटनावासियों को स्मार्ट सिटी के तहत 4 सुविधाओं की सौगात मिलने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ही इस दिन 4 योजनाओं का उद्घाटन और 6 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद नगर निगम क्षेत्र में 9 जनसुविधा केंद्र शुरू हो जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री अदालतगंज तालाब के पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण का भी उद्घाटन करेंगे। पटना शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्मार्ट सॉल्यूशंस की शुरुआत होगी। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड भवन का उद्घाटन भी सीएम इस दौरान करेंगे। बिजली कनेक्शन देने में बिहार ने विकसित राज्यों को छोड़ा पीछे। घर घर बिजली पहुंचाने के काम में बिहार सरकार ने बीते 5 साल में लंबी छलांग लगाई है। नीति आयोग की तरफ से जारी किए गए हालिया रिपोर्ट में इसका विस्तार से उल्लेख भी किया गया है। इस रिपोर्ट की माने तो साल 2015-16 तक बिहार में सबसे अधिक लोग बिजली कनेक्शन से वंचित थे, पर अब इस मामले में बिहार की स्थिति उत्तर प्रदेश और झारखंड समेत कई राज्यों में अच्छी हो गई है। आयोग ने साल 2015-16 की स्थिति से 2019-20 के हालात की तुलना की है। इसमें दर्शाया गया है कि साल 2015-16 में बिहार के 39.86% घरों में बिजली का कनेक्शन नहीं था। यह आंकड़ा उस समय देश के अन्य राज्यों में सबसे अधिक था। लोजपा रामविलास की युवा इकाई हुई भंग, सभी जिलाध्यक्ष और पदाधिकारी पदमुक्त।
विधानसभा और फिर उपचुनाव में फजीहत उड़वाने वाली लोजपा रामविलास अब पार्टी को नए सिरे से विकसित कर रही है। यही कारण है कि बीते दिन लोजपा रामविलास ने युवा इकाई को पूरी तरह से भंग कर दिया है, साथ ही सभी जिलाध्यक्षों और पदाधिकारियों को पदमुक्त कर दिया और तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है, जिसके बाद अब पार्टी जल्द ही नई सूची को जारी करने वाली है। लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे ने इस बात की जानकारी दी, साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जल्द ही पार्टी नई सूची की घोषणा करने वाली है। इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। कोलकाता और ढाका के बीच 1933 में विमान सेवा की शुरुआत आज के दिन से हुई थी। अंटार्कटिका के शांतिपूर्ण वैज्ञानिक इस्तेमाल के लिए 12 राष्ट्रों ने 1959 में संधि पर आज के दिन हस्ताक्षर किया था। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष शिवचंद्र झा का 2008 में निधन आज के दिन हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय चरित्र अभिनेता राकेश बेदी का जन्म 1954 में आज के दिन हुआ था। भारत के प्रसिद्ध गांधीवादी, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, पत्रकार और लेखक काका कालेलकर का जन्म 1885 में आज के दिन हुआ था। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और गांधीवादी चिंतक दादा धर्माधिकारी का 1985 में निधन आज के दिन हुआ था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन और महिला स्वतंत्रता सेनानी विजयलक्ष्मी पंडित का 1990 में निधन आज के दिन हुआ था। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 30 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,130 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,390 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 62,700 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 107.88 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल के दाम 92.92 रुपए प्रति लीटर थे। चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल में पाकिस्तान ने टीम इंडिया को पछाड़ा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश को चटगांव में मंगलवार को 8 विकेट से धूल चटाकर 2 मैच की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पाकिस्तान को जीत के लिए 202 रनों का टारगेट मिला था, जिसका पीछा करते हुए टीम ने सोमवार को अपने सलामी बल्लेबाजों के बीच 109 रन की ओपनिंग साझेदारी के दम पर ठोस शुरुआत की। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अभय चौधरी, गायत्री कुमारी, प्रवीण कुमार, गौरव कुमार, राज, अमित कुमार, पंकज कुमार दास, राजीव कुमार, विक्रम कुमार, माही आनंद, बबीता यादव, शंकर मुखिया, रामदयाल कुमार, नीतीश कुमार, कोमल कुमारी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार शराबबंदी कानून से बिहारवासियों को फायदा हुआ है या नुकसान? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दोबारा ना भूलें। धन्यवाद।